so this is the part 2 of our lecture uh, solutions so kal ke lecture mein humne kuch topics padhe the so next lecture jo hamara hai a aage continue karenge let's see what we have to study today okay so last lecture में हमने कुछ basic concepts पढ़े थे solutions के और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन्स पढ़े थे और उनके एग्जाम्पल्स हमने चेक किए थे सो so, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है वी विल स्टडी अबाउट दैट सो कोई भी कॉन्सनट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली होता क्या सो कॉन्सेंट्रेशन इज़ लाइक like हम कोई सॉल्यूशन बना रहे जिसमें एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है so, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम उस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हैं वो उसका कॉन्सनट्रेशन होगा सो इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला यूज़ होता है जो सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी भी फिजिकल क्वान्टिटी में हो सकता है जैसे कि हम या तो मास्क यूज़ कर सकते हैं वॉलीम यूज़ कर सकते हैं मोल्स यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्वलेंट्स यूज़ कर सकते हैं सिमिलरली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए भी हम वॉल्यूम मास या मोल्स के टर्म्स में हम यूज़ कर सकते हैं सो so, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मिलेंगे हर एक फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि ये जनरल फार्मूला फिट होगा और कैसे वेरी करता है और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं और उन्हें कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है ओके सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होते हैं अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कुछ कॉन्सनट्रेशन टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा वेरी करते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है टेम्परेचर चेंज हुआ कॉन्सनट्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है सो so, इसमें कुछ आ, टर्म्स आ, यहाँ पे दिख रहे हैं हमें जैसे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मुलारिटी नॉर्मालिटी फॉर्मेलिटी सो दीज टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो कि टेम्परेचर में जिस तरह से चेंजेस होते हैं वेरिएशनस होते हैं उसके साथ साथ इनके कॉन्सनट्रेशन भी चेंज होते जाते है नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड टेबल में हमें दिख रहा है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स वो होते हैं जो कि टेम्परेचर के वेरिएशन से उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है अब यहाँ पे जो टर्म्स दिख रहे हैं वहाँ वो है मास बाय मास परसेंट मोलालिटी मोल फ्रैक्शन सो so, ये जो टर्म्स हैं जितने भी आ, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट जो टर्म्स है वो किस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जो टर्म्स डिपेंड नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं सो नेक्स्ट वी विल स्टडी वन बाय वन ईच एंड एवरी टर्म्स सो so, पहला टर्म जो आ रहा है दैट इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सो जनरल फार्मूला है जैसे कि हमने कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला देखा था कि कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट लो डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कर दो बस उनके जो फिज़िकल क्वान्टिटीज़ uh, थी वो डिफ़र कर रही थी सो so, इसमें हमने जो सोल्यूट लिया है वो मास के टर्म्स में लिया है और जो सॉल्वेंट लिया है वो वॉल्यूम के टर्म्स में लिया है यू कैन टेक एनी टर्म्स एंड यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सो मास बाय वॉल्यूम इज़ अ टेम्परेचर dependent concentration term temperature dependent concentration term क्योंकि देखो यहाँ पे इसके denominator में volume term आ रहा है so volume क्या होती है जैसे ही हम temperature में कोई भी change करते हैं तो volume always changes volume क्या होती है expand होती है जो solvent का जो volume होगी that will expand सो वॉल्यूम एक्सपैंड होने की वजह से कोई भी वेरिएबल जब चेंज होता है तो उसकी वजह से आ, दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है सो मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंटेशन टर्म्स इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इंटू हंड्रेड सो वॉट एवर क्वेश्चन कम्स जस्ट इसमें मास ऑफ सोल्यूट डालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलवेंट डालना है हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है यू विल गेट द आंसर ओके सो नेक्स्ट टर्म सो नेक्स्ट टर्म हमारा नेक्स्ट टर्म हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है सो so, इसमें जो हमने सोल्यूट और सोल्यूशन लिया है वो वॉल्यूम के टर्म्स में लिया पिछले वाले फॉर्मूले में हमने सोल्यूट को मास के टर्म्स में लिया था मैंने आपको बता दिया है कि हम इसे मास के टर्म्स में वॉल्यूम के टर्म्स में मोल्स के टर्म्स में या नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में ले सकते हैं और हमें अलग अलग कॉन्सनट्रेशन टर्म्स मिलते हैं ठीक सो so, इस वाले फॉर्मूले में हमने सोल्यूट को भी वॉल्यूम के टर्म्स में लिया है और जो नेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा सो so, सोल्यूशन का नेट वॉल्यूम कैसे आएगा पहले आपने कोई सॉल्वेंट लिया होगा उसकी वॉल्यूम उसके बाद हमने कोई लिक्विड सोल्यूट उसमें ऐड किया होगा उसकी वॉल्यूम सो so, दोनों की वॉल्यूम जब ऐड हो जाएगी सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यू कैन फाइंड आउट सो दोनों को डिवाइड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो सो यू विल गेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉमूला ओके सो नेक्स्ट वी विल स्टडी नेक्स्ट इज़ मोलारिटी सो जैसा कि मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलारिटी एक और इसमें हम सोल्यूट सोल्यूट solute को मोल्स के फॉर्म में ले रहे हैं पहले फॉर्मूले में हमने मास के फॉर्म में लिया दूसरे फॉर्मूले हमने वॉल्यूम के फॉर्म में लिया तीसरे में हम मोल्स के फॉर्म में ले रहे हैं सो सोल्यूट को मोल्स के फॉर्म में ले लो सॉल्वेंट को तुम ले सकते हो वॉल्यूम uh, के फॉर्म में सो द फॉर्मूला इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम एल इन टू थाउजेंड सी बुक में तो मैं वॉलीम ऑफ सॉल्यूशन जनरली लीटर्स में दिया रहता है बट क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें हमेशा एम में प्रोवाइडेड रहता है वॉल्यूम सो so उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सो so उसे कन्वर्ट ना करना पड़े इसलिए हम पहले से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एम में रख के उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दें सो इट विल बिकम ईजियर टू सॉल्व द क्वेश्चन सो होपफुली एवरी वन नोज़ हाउ टू कैलकुलेट द मोल्स सो मोल्स कैलकुलेट करना सभी को आता होगा नहीं आता होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ सी मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आ, जो भी सोल्यूट होगा उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका या तो अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास अगर वो कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास उससे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सो यू कैन गेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड देन कैलकुलेट द मोलारिटी समटाइम्स ऐसा होता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें प्रोवाइडेड नहीं रहता है बट उसकी जगह हमें डेंसिटी प्रोवाइडेड रहती है सो डेंसिटी so, को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सी डेंसिटी का फार्मूला आपको पता होगा कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सो सपोज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं है सो यू कैन यूज़ द डेंसिटी टर्म एंड मास सो प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में सो डेंसिटी यूज़ करके भी हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं सेम डेंसिटी वाले फॉर्मूले का यूज़ हम मोलालिटी में भी यूज़ करेंगे जिसमें कि क्वेश्चन में मोलालिटी कैलकुलेट करने दिया रहता है आ, उसमें हमें आ, ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया रहता है ना मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहता है सो so, हमें डेंसिटी टर्म यूज़ करना पड़ता है एंड वी कैन कन्वर्ट सो मुलालिटी इज़ डन नेक्स्ट इज़ नॉर्मैलिटी सो नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं ओके सो नॉर्मेलिटी सो so, इसमें हम सोल्यूट देखिए इक्विवेलेंस के फॉर्म में लिया है पिछले वाले फॉर्मूले में हमने जो सोल्यूट था उसको मोल्स के टर्म्स में लिया था इस वाले फॉर्मूले में हम सोल्यूट की क्वांटिटी जो ले रहे हैं सोल्यूट के अमाउंट ले रहे हैं इक्विवेलेंस के टर्म्स में ले रहे हैं सो द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टू सो यू कैन कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी सो बेसिकली प्रॉब्लम uh, इसमें यहाँ पे आती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने में स्टूडेंट्स फंसते हैं सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बेसिकली होते क्या हैं so, सो यहाँ पे ओके सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने का तरीका सो गिवन मास ऑफ सोल्यूट सोल्यूट का मास दिया रहेगा क्वेश्चन में सो यू हैव टू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट सिंपल सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे सो यू कैन पुट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन द नॉर्मैलिटी फॉर्मूला, सो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करें सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्मूला है सी सो इक्वेबलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे Uh, सबसे पहले जो मोलिकुलर मास होगा वो कैलकुलेट करेंगे सोल्यूट का सपोज हमारे पास है एन ओ एच तो एन ओ एच का मोलिकुलर मास होता है फोर्टी सोडियम का होता है ट्वेंटी थ्री एटोमिक मास ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन हाइड्रोजन का होता है वन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है फोर्टी डिवाइडेड बाई इट्स वैलेंसी फैक्टर अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है वैलेंसी फैक्टर एसिड्स के लिए कितने एच प्लस आए वो दे सकता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा बेसिस के लिए कितने ओ एच वो दे सकता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा और जो आयंस होते हैं आयंस के ऊपर कितना चार्ज होता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा ठीक है तो जितना चार्ज होगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा उसके मोलर मास को उससे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट इज़ फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी जो होती है वो जनरली हम आयंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि सॉल्यूशन uh, में सॉल्वेंट में जाने के बाद आयोनाइज़ हो जाते हैं और उनके कितने आयंस उसमें आयोनाइज़ होते हैं सो बेसिकली फॉर्मेलिटी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता सो द इज़ फॉर्मेलिटी फार्मूलाज़ फार्मेलिटी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टू थाउजेंड सो यहाँ पर हमने जो सोल्यूट का अमाउंट है कॉन्सेंट्रेशन फार्मूले जनरल फार्मूले के हिसाब से हमने नंबर फार्मूला यूनिट्स के टर्म्स में लिया है और जो सोल्यूशन है दैट इज़ इन वॉल्यूम के टर्म्स में हमने लिया है सो फॉर्मेलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन एज सच ज़्यादा आते नहीं है बट इफ़ इट कम्स यू कैन इजली सॉल्व यूजिंग दिस फार्मूला सो नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर इनडिपेंडेंट क्वान्टिटीज़ सी ये सारी क्वांटिटीज टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि आ, देखो इसमें जो डिनोमिनेटर है इसमें हमने जो भी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के जो टर्म्स लिए वो हमेशा मास के टर्म्स में रहते हैं सो यू मस्ट बी नोइंग कि आ, अगर टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आता है सो एज सच मास में कोई वेरिएशन नहीं आता सो so, टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से मास में कभी भी कोई चेंज नहीं आता ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है बट हाँ टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में चेंज आता है सो so, जो प्रीवियस क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी सो दोज वेर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, नाउ दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, सो फर्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज सो इसमें जो सोल्यूट को हमने मास के टर्म्स में लिया है एंड जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी सॉल्यूशन वाली उसको भी हमने मास के टर्म्स में लिया है सी so, क्वेश्चन जब आएगा सो so, हम क्या करेंगे कि जो मास ऑफ सोल्यूट है प्लस जो मास ऑफ सॉल्वेंट है दोनों को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द मास ऑफ सोल्यूशन दोनों को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द मास बाय मास परसेंटेज एज सच इतना इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं देगा बट यू मस्ट बी नोइंग द फॉर्मूला ओके सो नेक्स्ट इज मुलालिटी वेरी इंपॉर्टेंट सो मुलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इन टू थाउजेंड सो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे हमने सोल्यूट को मोल्स के टर्म्स में लिया है और यहाँ पे सॉल्वेंट को हमने मास के टर्म्स में लिया है सी uh, जो जनरल फॉर्मूला था उसमें सारे हमारे जितने टर्म्स हैं सारे फिट बैठ रहे हैं और अकॉर्डिंगली वी आर कैलकुलेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो नेक्स्ट इज़ मोल फ्रैक्शन सो मोल फ्रैक्शन सो मोल फ्रैक्शन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सो मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है सो सिंप्लीफाई करें सो तुमने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें कुछ मोल्स सोल्यूट के डाल दिए कुछ मोल्स सॉल्वेंट के डाल दिए सो so दोनों में से अगर हमें दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को कहा जाए तो so हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कि सोल्यूट के कितने फ्रैक्शन हमारे सोल्यूशन में हैं सो so, क्या करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मोल्स तुमने सॉल्यूट के डाले सपोज वन मोल यू हैव एडेड सल्यूट उसके बाद सॉल्वेंट के कितने डाले सॉल्वेंट के सपोज तुमने दो मोल डाले सो फार्मूला विल कम लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्यूट के कितने मोल्स डाले थे वन मोल्स डाले थे सॉल्वेंट के कितने डाले टू मोल्स डाले सो टोटल मोल्स कितने हो गए थ्री मोल्स सो अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले में फिट करें सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आएगा मोल्स ऑफ सल्यूट हमने वन ऐड किया था टोटल नंबर ऑफ मोल्स थ्री सो वन बाय थ्री सो वन बाय थ्री इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट सेम अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना हो सो so, हम क्या करेंगे सॉल्वेंट के कितने मोल्स डाले थे हमने टू मोल्स डाले थे सोल्यूट के कितने डाले थे वन मोल डाले थे और सॉल्वेंट के कितने डाले थे टू मोल डाले थे सो टू बाई थ्री विल बी द आंसर फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सी द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वन कभी भी सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वन से कम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दूसरा तरीका यह है मोल फ्रैक्शन किसी भी का, एक कॉम्पोनेंट का अगर तुम्हें पता हो दूसरे कॉम्पोनेंट का निकालना है तो जस्ट वन से उस कॉम्पोट जिसका निकाल चुके हो उससे माइनस कर दो सो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द अदर कॉम्पोनेंट सी आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल सी सपोज हमारे पास सोल्यूशन में दो कॉम्पोनेट्स है कॉम्पोनेट वन एंड कॉम्पोनेंट टू अब आपने क्या किया है कॉम्पोनेंट टू का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया सो कॉम्पोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली कॉम्पोनेंट टू के मोल फ्रैक्शन को वन से माइनस कर दो सो यू विल गेट द आंसर नो नीड टू पुट इन द फॉर्मूला सो दिस विल सेव सम टाइम एंड इट विल बी हेल्पफुल ओके सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हैं सो दिस आर बेसिकली फ्रॉम एन सी आर टी सो यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन और जिन स्टूडेंट्स को मैंने असाइनमेंट के लिए बोला था वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे ओके सो ट्राई दिस क्वेश्चंस सॉल्व होते तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो uh, हम इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज एंड दिस इज़ द सेकंड पेज सो ऑल टोटल आई थिंक एट क्वेश्चंस। दे आर वेरी इजी। जस्ट बेसिक फार्मूलेज हैं। अगर आपने वीडियोज़ देखते समय नोट्स बनाए होंगे सो यू कैन जस्ट अप्लाई द फार्मूलेज एंड try to solve the questions. Uh, if and if you find any difficulties, then you can contact me. So I'll I will help you with the questions. Okay. So in next video we will study about the solubility. Solubility के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. Solubility क्या होती है और इसके बारे में थोड़े से डिटेल्स देखेंगे ओके सो सो कीप लर्निंग पढ़ते रहिए uh, जो टाइम आपको मिला है उसे यूटिलाइज करें वेस्ट ना करें इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू स्टडी दीज टॉपिक्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू गेट एनी डाउट्स ओके थैंक यू